अयोध्या में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए इसे धोखाधड़ी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का पीडीए केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के तहत काम कर रहा है और इससे समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का पीडीए एक बड़ा धोखा है। क्या आपके पीडीए में निषाद समाज की पीड़ित बेटी शामिल नहीं है? मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ने आपकी असलियत को उजागर कर दिया है। इसका जवाब जनता 2027 में देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या मामले को लेकर सपा के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के गुंडे प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस घटना में मुख्य आरोपी मोइन खान सपा का नेता है, जिसने अपने नौकर के साथ मिलकर नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन ने मोहित खान की बेकरी का बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।